मैं हूं रुखसार शहजा। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन और अमरीकी जंगी जहाज़ों के ताइवान के पानियों में गश्त, चीन की जानिब से जहाज़ों की गश्त पर एतराज़। चीन की जानिब से कहा गया है कि अमरीकी और कैनेडियन बहरी बेड़ों की नकल व हरकत पर उन्हें खबरदार किया है। ईरान में पुलिस की हिरासत में खातून की मौत पर टोरंटो में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि दुनिया को एक होकर ईरानी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। उम्मीद है कि दुनिया जॉर्ज फ्लॉयड की तरह अमीनी के मामले पर भी यकजा होगी। कैनेडियन जनरल डैनी फॉर्टिन के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के केस की समा। डैनी फॉर्टिन का कहना था कि झूठे इल्ज़ाम ने उन्हें तबाह कर दिया। फॉर्टिन का विफाकी अदालत में वैक्सीन मुहिम से बरतरफी को भी चैलेंज करने का फैसला। तुर्किया की सालसी में यूक्रेन और रूस 200 जंगी कैदियों के तबादले पर रजामंद। तैयब उर्दवान का कहना था कि पुतिन यूक्रेन के साथ जंग ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तुर्क सदन ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फिर मसला कश्मीर उठा दिया। अमरीकी सेनेटर्स की FBI को दी गई धमकियों की मजम्मत। अमरीकी सेनेटर्स का कहना है कि धमकियों के पीछे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इत्तेहादी हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। Laundry is no longer a hassle. Just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Headlines aapne jaani aur ab khabrein tafseel ke saath. कैनेडियन और अमरीकी जंगी जहाज़ों के ताइवान के पानियों में गश्त पर चीन की जानिब से शदीद रद्देअमल का इजहार किया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन और अमरीकी जंगी जहाज़ों के ताइवान के पानियों में गश्त पर चीन की जानिब से शदीद रद्देअमल का इजहार किया गया है, जबकि कैनेडा की वज़ीर दिफा अनीता आनंद ने कहा कि उनका मुल्क बहरुल काहिल के एक मुल्क के तौर पर आलमी इस्तेहकाम और खुशहाली को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म है। मंगल के रोज़ कनाडा के जंगे जहाज़ ने आबनाए ताइवान में सफ़र किया। जो जहाज़ शुमाली कोरिया के खिलाफ अक़वामे मुत्तहिदा की पाबंदियों को नाफिज करने की जारी कोशिशों में शामिल हुआ। अमरीकी बहरिया के एक जंगी जहाज़ और कनाडा के एक फ्रिगेट ने मंगल को आबनाए ताइवान के ज़रिए मामूल का सफ़र किया। ताहम चीन की जानिब से कहा गया है कि अमरीका और कैनेडियन बहरी बेड़ों की नकल व हरकत पर उन्हें खबरदार किया है। अमरीका के सातवें बेड़े की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि जहाज़ों ने आबनाए में एक राहदारी के जरिए जो किसी भी साहिली रियासत के इलाकाई समंदर से बाहर है के जरिए एक आज़ाद और खुले बहरुल काहिल के खित्ते से वाबस्तगी का मुजाहरा करने के लिए सफ़र किया है। हालिया बरसों में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ और बास मौक़ों पर इतिहादी ममालिक जैसे कि बरतानिया और कैनेडा से मामूल के मुताबिक आबनाए से गुजरते रहे हैं, जिससे चीन का गुस्सा बढ़ गया, जो जजीरे की जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के एतराज़ात पर ताइवान का दावा करता है। कैनेडियन वजीर दिफा ने कहा है कि आज की मामूल की आबनाए ताइवान ट्रांजिट एक आज़ाद खुली और जामे इंडो पैसिफिक के लिए हमारी वाबस्तगी को जाहिर करती है। चीन की पीपल्स लिब्रेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि उसकी अफवाज ने जहाज़ों की निगरानी की और उन्हें खबरदार किया। चीनी फोर्सेस हमेशा हाई अलर्ट पर रहती हैं, तमाम खतरात और इश्तियाल अंगेजियों का पुख्ता तौर पर मुकाबला करती हैं और कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पुख्ता दिफा करती हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में ईरान में पुलिस के ज़ेर हिरासत खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के शहर टोरंटो में ईरान में पुलिस के ज़ेर हिरासत खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। टोरंटो में ईरानी बिरादरी के मेम्बरान ईरानी पुलिस की ज़ेर हिरासत में 22 साल खातून की मौत के बाद दुनिया की खामोशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मुजाहरे में शरीक खवातीन का कहना था कि ईरानी खवातीन को ईरान में कोई हक नहीं है, हम सड़कों पर नहीं चल सकते, जब हम सड़कों पर चलते हैं तो यह लड़ाई होती है। मुजाहरीन का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि दुनिया जॉर्ज फ्लॉयड की तरह अमीनी के मामले पर भी यकजा हो। दुनिया को हमारे या हुकूमत के दरमियान इंतखाब करने की ज़रूरत है, हमारी आवाज़ सुनो, ये वाहिद चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है।
वाज़ेह रहे कि महसा अमीनी को 13 सितंबर को ईरान में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब पुलिस ने मुबैना तौर पर उसके हिजाब का मसला उठाया। ये एक हेड स्कार्फ है जिसे ईरान की अखलाकी पुलिस तमाम खवातीन को, चाहे वो किसी भी कौमियत या मजहबी अकीदे से ताल्लुक़ रखती हो, पहनाने का पाबंद करती हैं। उनका 3 रोज़ कबल दौरान हिरासत इंतकाल हो गया था। पुलिस का कहना है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है, लेकिन कम्युनिटी के बहुत से मेंबर्स का ख्याल है कि अमीनी को हिरासत में रखते हुए कत्ल किया गया था। क्यूबे की अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान जनरल डैनी फॉन्टेन का कहना था कि झूठे मुकदमे ने उन्हें बर्बाद कर दिया और उनकी साख को शदीद नुकसान पहुँचा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में जिंसी हिनासानी का सामना करने वाले मेजर जनरल डैनी फॉन्टेन ने मंगल को कहा कि वो जिंसी ज्यादती का मुर्तकिब नहीं है और उसने कभी भी किसी ऐसी औरत से कोई जिस्मानी राब्ता नहीं किया जिसने इस हफ्ते अदालत में उनके खिलाफ तफसीली इल्जामात आयद किए थे। क्यूबेक की अदालत में मुकदमे की समाअत के दौरान फॉन्टेन का कहना था कि इस झूठे मुकदमे ने उन्हें बर्बाद कर दिया और उनकी साख को शदीद नुकसान पहुँचा है। फॉन्टेन पर 2021 में जिंसी ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया था। मुबैना वाकया 3 दहाइयों से ज्यादा पहले पेश आया था जब वो रॉयल मिलिट्री कॉलेज में कैडेट था। फॉन्टेन ने अपने सिविलियन मुजरिमाना मुकदमे की समाअत के लिए अपनी फौजी वर्दी और तमगे पहने थे। मुकदमा पीर के रोज़ क्यूबेक के गेटिनिव कोर्ट हाउस में शुरू हुआ था। उसकी अहलिया और बेटी फॉन्टेन के साथ अदालत में चले गए और अगली सफ में बैठ गए। महकमा दिफा ने इससे कबल इंटरव्यू में शिकायत कुनंदा के बयानात का हवाला दिया जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि हमला आवर ने उन्हें नामुनासिब अंदाज में छूने का इल्ज़ाम आयद किया। शिकायत कुनंदा ने पीर को गवाही दी कि बयान दुरुस्त नहीं था और उस इंटरव्यू के दौरान वो दबाव में थी। फॉन्टेन वफाकी अदालत में वैक्सीन मुहिम से अपनी बरतरफी को भी चैलेंज कर रहे हैं। इस अपील की समाअत 5 अक्टूबर को होने वाली है। तुर्किया के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि रूस और यूक्रेन ने 200 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक कर लिया है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान ने अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक बार फिर मसला कश्मीर को उठाया है और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताहाल अमन कायम न हो सका है। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान इससे कबल भी कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए और उन पर भारतीय जुल्म और सितम के खिलाफ अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में आवाज़ उठाते रहे हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि यूक्रेन और रूस ने 200 जंगी कैदियों के तबादले पर हामी भर ली। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने शंघाई तआवुन तंजीम के इजलास में अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात की थी और यूक्रेन जंग के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया था। इजलास के बाद अपने मुल्क पहुंचने पर तुर्किया के सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि रूस और यूक्रेन ने 200 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक कर लिया है, जो कि बड़ी खुश आइन बात है। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने मजीद कहा कि रूसी सदर की गुफ्तगू से ऐसा महसूस होता है कि वो जंग के फौरी खात्मे की ख्वाहिश रखते हैं। ख्याल रहे कि फरवरी से जारी रूस और यूक्रेन की जंग के बायस आलमी सतह पर तेल और गैस के बहरान का खदशा है, जबकि अजनास की कीमतों में इजाफा हुआ है। आलमी क़ुव्वतों ने रूस से तेल और गैस की खरीदारी पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिससे खुद रूस को भी मौशी बहरान का सामना है और 2 महाजों पर यूक्रेनी फौज के हाथों पसपा भी होना पड़ा है। दूसरी जानब अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में तुर्क सदर ने अहम इंकशाफ किया कि उनके ख्याल में रूसी सदर जंग खत्म करने का सोच रहे हैं। ब्रिटेन के साथ गुफ्तगू में महसूस हुआ कि वो जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन जंग से रूस के लिए काफी मसाइल पैदा हुए हैं, अब सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है। अमरीकी सेनेटर्स ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दी जाने वाली धमकियों की मजम्मत की है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कांग्रेस में वफाकी एजेंट्स को धमकियों से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। चेयरमैन जुडिशरी कमेटी का इस जमन में कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। अमरीकी सेनेटर्स ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दी जाने वाली धमकियों की मजम्मत की है। अमरीकी सेनेटर्स का इस हवाले से कहना है के धमकियों के पीछे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके इत्तेहादी हैं। चेयरमैन जुडिशरी कमेटी का इस जमन में कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। चेयरमैन जुडिशरी कमेटी का ये भी कहना है कि फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइशगाह पर FBI के छापे के बाद से धमकियों का सिलसिला जारी है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। Thank you.